हमारे ग्रुप के विश्व सुंदरे अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। जी पधार रहे हैं इधर, और ये छोटे बच्चे ग्रुप के परी, पापा की परी, उड़ने वाली पड़ी है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस आपका तो ईद है, तो ईद कैसा बीता आपका? और जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यहाँ पे मजे करने आए हैं, भारत दर्शन देखने, पार्क का एंजॉय करने। चलिए ठीक है, हैप्पी ईद, ईद मुबारक हो आपको। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप इतनी जगह तो घुमा दी, आपको तो थक गए होंगे, तो मैं आपको बताऊं भारत दर्शन में एक ऐसी जगह भी बनाई हुई है जहाँ बैठकर आप रेस्ट कर सकते हो, आराम कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई हुई है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हर एक स्तंभ के बाद एक बैठ के जगह बना रखी है। तो गाइस और भी आगे इंटरेस्टिंग चीजों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूँ, हमारी जो लाइफ चैनल है रियल लाइफ एंजॉयमेंट, तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बारे में आप गेस कीजिए क्या है ये, कमेंट करके जरूर बताइए है क्या ये। और इसके बारे में मुझे भी नहीं पता कि है क्या, तो इसके बारे में हमारे भैया बताएंगे क्या है भैया। ये बौद्ध जी जो थे, सिद्धार्थ जो थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना मतलब पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था, तो उनके लिए स्मारक बनी पड़ी है। तो ये सांची का स्तूप है जो बौद्ध के स्मारक के तौर पे इसे जाना जाता है, बहुत ही बेहतरीन है ये। और इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और तो गाइस मैं दिखा दूं आपको, बुद्ध जी की प्रतिमा भी बनाई हुई है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी चीज डायरेक्ट मतलब कारीगरी है, ये देखिए आप चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी। तो चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे भी, और यहाँ पे सभी फोटो शूटिंग भी कर रहे हैं। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? आपको यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। तेजी से बोलिए, खाना नहीं खाया लग रहा है? नहीं देखा, आपने लापरवाही का नतीजा है, नहीं खाया भैया। तो गाइस इसके चारों तरफ आपको घुमा देता हूँ स्तूप के, ऐसा ना हो कि चक्कर आ जाए, तो धीरे धीरे करके घूमे हमारे साथ में, क्योंकि आगे भी और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ऐसा ना हो चक्कर खा के आप यहीं बैठ गए। सही पकड़े हैं हमारे साथ। तो गाइस देखो ये छोटू कितना मजा ले रहा है, और हमें देख के भाग गया ये। हेलो कर दो बाबू, हेलो जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हेलो करो, नहीं कुछ करना चाहिए। तो भैया से जानते हैं कि इनको मजा आया कि नहीं यहाँ पे, और ये क्या है? हम आज भारत दर्शन में घूमने आए थे, सुबह से सारी फैमिली प्लानिंग थी भाई साहब। अच्छा फैमिली भी आई है? और हम पहुँच चुके हैं अब सांची के स्तूप को, यहाँ सब कुछ देखने में ऐसा फील हो रहा है कि आज तो पूरे भारत का ही दर्शन कर लिया हो। तो चलिए बहुत अच्छा, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका नाम? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी से आप बात कर रहे थे, और ये इनका लड़का छोटा सा जो अभी कुछ बोलना नहीं चाहता है। भाई टाटा कर दो, भाई टाटा कर दो, भाई करो इसे आप भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू भैया। हमारे भैया से जानते हैं, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित ताल्लुक रखते हैं, तो बताइए भैया। हम बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। और आपका नाम भैया? फलेंद्र कुमार, एडवोकेट। हाँ ये भैया एडवोकेट है हमारे। हाँ कहाँ पे एडवोकेट है आप? करकडूमा कोर्ट। करकडूमा कोर्ट के अंदर हमारे भैया एडवोकेट है। और चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आपके पास डालते ही मिल बढ़ते हैं। पीछे पीछे तो यहाँ पे अभी टिकटॉक रील्स बन रहा था, यूट्यूब रील्स, और आगे बढ़ते हैं भैया।
सो बने रहे मेरे साथ। आगे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं विष्णु जी के बारे में बताने चाहूँगा और भी काफ़ी चीज़ें जो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि सस्पेंस है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। बाकी आप म्यूजिक को फील कीजिए और देखते जाइए जब तक कोई स्तूप नहीं आ जाता है। गाइस आपको कुछ तो लगा होगा, यानी कुछ खाने पीने का मन किया होगा या प्यास लग गई होगी आपको। गलत चीजों में मत जाइए आप। और तो बने रहिए हमारे साथ, पानी के साथ कोल्ड ड्रिंक बने रहिए हमारे साथ। और भैया कुछ ऐसा लग रहा है कुछ गंभीर चीज से सोच रहे हैं। सोच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। ओके भैया, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? ओके भाई, गाइस इसको देख के बहुत अच्छा नजारा लग रहा होगा आपको। और गेस करो क्या ही है? गाइस मैं बताता हूँ ये क्या है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ये है शौचालय, समझ रहे होगा आपको। कैसा लग रहा है यहाँ आके? भाइयों कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? गाइस देखिए क्या आने वाला है। ये है विक्टोरिया पैलेस, और इसके बारे में हमारे भैया बताएंगे। मैं आपको बता दूं, हम तो छोटे छोटे घरों में रह के मतलब सोचते हैं बहुत बड़े में रहते हैं, तो सोचो ये है विक्टोरिया पैलेस, पश्चिम बंगाल का महल, विक्टोरिया महल। तो दिखाओ इनको एक बार, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो, और इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या कुछ लेना चाहते हैं जानकारी ज़्यादा ही ज़्यादा, तो ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। विक्टोरिया पैलेस है जो बंगाल के अंदर स्थित है, और इसका डायमेंशन और इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है मटेरियल वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये, और यहाँ पे आके आप फोटो वोटो शूट कीजिए, बहुत अच्छा आएगा। लेकिन नहीं आ सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो में बने रहिए, इससे भी अच्छे अच्छे चीज़ें नजर आने वाले हैं। अभी चलिए देखते हैं नया स्तंभ क्या आने वाला है। तो गाइस ये है हम्पी रथ, जिसे पत्थरों के अजूबे अनोखे तरीके से तराशा गया है, और इसके बारे में मैं दिखा सकता हूँ कितना खूबसूरत ये पास से देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छे मतलब नक्काशी की गई है इसके ऊपर में सारी चीज़ें, और ये हम्पति मतलब हाथी का रथ है ये, और इसके बारे में आज ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं ये आपको पढ़वा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके हेलो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले लीजिए। हाँ जी हेलो। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमारे सभी ग्रुप वाले वीडियो बना रहे हैं। कौन है, कहाँ से आते हैं? और वीडियो में ये देखिए छिपकली सी शक्ल की, इसको तो पता होगा कौन है ये। अच्छा वाला कर रही है, डायलॉग है कुछ ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा। तो गाइस चलते हैं आगे। तो गाइस ये क्या आने वाला है आपको तो मालूम है, हमारा ताजमहल। तो गाइस ये हमारा ताजमहल है, और इसके बारे में पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो भैया कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? क्वाइट गुड। आपको भैया मजा आ गया? चले भैया बढ़ते हैं आगे। तो भैया कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? छोटी बच्ची हो क्या? अच्छा आपको अच्छा नहीं लगा? इतनी गर्मी में बहुत अच्छा लगा। आहा, 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 नची
में अच्छा लग रहा है। चलिए हमारा चैनल है रियल लाइफ एंजॉयमेंट के नाम से यूट्यूब पे, आपका वीडियो उसी पे पब्लिश होगा 9 बजे, आप सभी देखना। चलिए मिलते हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ और यह है हमारा मैसूर पैलेस। तो कैसा लग रहा है भैया आपको? एक नंबर ना। चलिए ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो आप, रियल लाइफ एंजॉयमेंट। चलिए इसके बारे में हमारे अंजय भैया बताएंगे। तो भैया बताइए इसके बारे में क्या है? मैसूर पैलेस है, शाही महल जिसे बैठ गया के मतलब शासकों ने बनाया था, 1857 में इसे नष्ट कर दिया गया था, तो दोबारा से इसको मतलब बनाया गया। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, तो देख सकते हैं आप इसके बारे में। और इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं इसका प्लेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इसे वीडियो को पाउच करके आप पूरा देख सकते हैं कहाँ पे बना है, किस मटेरियल से बना हुआ है मैसूर पैलेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भीड़ बढ़ता हुआ जा रहा है, जितना शाम होता जा रहा है भीड़ यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? बढ़िया। चलिए ठीक है, चलते हैं। और भैया आपको कैसा लगा बच्चों के साथ आके? बढ़िया लगा। पे दिखाते हैं आपको बच्चों के साथ में। भैया देखिए यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सस्पेंस की तरफ, जो मैं आपको बता नहीं सकता, बट सस्पेंस में है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या उसकी वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। ये क्या है आप अंदाजा लगाइए और कमेंट करके बताइए। तो इसके बारे में पूरा जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। बताइए भैया। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। बनवाया गया था और ये 4 मीनार है, हैदराबाद में स्थित है, बहुत अच्छी खूबसूरती है। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो गाइस हम आ चुके हैं गेस कीजिए कोणार्क मंदिर, जो सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। चलिए भैया कुछ पता है तो बताइए इसके बारे में। ये सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर, इसमें फर्स्ट मतलब जो गाड़ी जो निकलती है उसके बीचों बीच निकलती है, बहुत अच्छी नज़ारा होता है यहाँ का। ये उड़ीसा में स्थित है, बहुत अच्छी नक्काशी है, तो देखना चाहेंगे आप देखो। तो ये हमारा कोणार्क मंदिर, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये देख सकते हैं। भैया से कैसा लगा भैया यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा भाई, भारत दर्शन पार्क से सारे फेमस जो है स्टैचू मिलते हैं यहाँ, अच्छी अच्छी जगह घूमने यहाँ आकर इंजॉयमेंट कर सके। स्टैचू काफी सारे देख सकते। आपने पूरा पार्क का दर्शन कर लिया, मजा आया, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा फीलिंग आ गया ना कि जैसे पूरा भारत दर्शन कर लिया हो। पूरे इंडिया सब चीज़ें यहाँ पे देखने लायक है, इंडिया का दर्शन कर लिया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि और भी लोग आए और देखें कि नहीं? और भी लोग आए देखें, एंजॉय अच्छा है। तो यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि सभी लोग खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया आ सकते हैं और आके देखिए और मजे कीजिए यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अब मैं लेके चलता हूँ आपको अजंता की गुफा, ठीक है? ये अजंता की गुफा है और इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और मैं दिखाता हूँ आपको अजंता की गुफा क्या अच्छा प्रतिमा बना रखा है यहाँ पे। आप आइए और मजे कीजिए फैमिली के साथ। ये स्तंभ है उसका। ये गाइस बहुत लेट हो चुका है, तो अब हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप आइए और मजे कीजिए। एक काम करो ना, वो आसन
तो इसके बारे में आप बताइए क्या है ये, गेस कीजिए आप कि क्या है ये। यह है खजुराहो का मंदिर, सबसे पुराना मंदिर जो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे आइए और बस ख़त्म ही हो गया भारत दर्शन। यहाँ पे बहुत मज़ा आया मुझे, और आपको मज़ा आया कि नहीं आया आप वीडियो में बता सकते हैं। और यह हमारा ये एग्जिट है, यहाँ लिखा है थैंक्स फॉर विजिट। तो चलिए चलते हैं बाहर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और चलिए अब हम यहाँ से एग्जिट आ चुके हैं, और बहुत ही मज़ा आया भैया मुझे तो। चलिए फिर चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं अंजभिया से। तो गाइस कैसा लगा आपको ये भारत दर्शन, तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताएं, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। खूब मस्ती, खूब स्टंट, और इसके साथ में आपको प्रैंक वीडियो जो हमने बनाई है वो भी आपको यहाँ के भेजेंगे। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।